भारतीय सिनेमा जगत की एक ऐसी सिंगर जिसने महज 6 साल की उम्र में अपनी आवाज से लाखों श्रोताओं को अपना दीवाना बना लिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलका याग्निक की। 20 मार्च 1966 को कोलकाता में जन्मी अलका ने अपनी मीठी आवाज से न सिर्फ लाखों करोड़ों दिलों पर जादू चलाया बल्कि कई नेशनल अवार्ड भी जीते। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी अलका की माँ शुभा भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। ऐसे में यह कहना सही होगा कि अलका को संगीत विरासत में मिला। जब अलका को पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिला उस वक्त वो महज 6 साल की थी। इसके तक हिंदी फिल्मों में अलका के करियर और गायकी की बात है तो एक वक्त ऐसा भी रहा जब फीमेल सिंगर का मतलब सिर्फ और सिर्फ अलका ही रही। करीब एक दशक यानी 1990 से लेकर 2000 तक अलका की आवाज का ही बोलबाला रहा। अपने 30 साल के करियर में अलका ने कई भाषाओं में एक से बढ़कर एक गीत गाए, लेकिन एक गीत ऐसा रहा जिसके लिए उन्हें देशव्यापी विरोध का सामना भी करना पड़ा। ये गीत था फिल्म खलनायक का चोली के पीछे क्या है, जिसके लिए अलका को न सिर्फ सामाजिक संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा बल्कि इसकी लगभग 42 राजनीतिक पार्टियों ने इस गीत के खिलाफ आंदोलन चलाकर इसका विरोध किया था।